बना बना रहा 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 है। है है, नहीं मैंने अभी अभी पूरा पूरा का तुम लोगों के लिए एक एक किया। बंदा बोल भाई भाई कसम कह मतलब मैं ना में आया था कि मेरे को करनी चाहे कुछ हो जाए क्योंकि भाई माँ कसम कह रहा हूँ मेरी ना ईगो के लोड़े लग रखे हैं माँ कसम भाई स्व चुप गया है

यार मुझे एक बात बताओ आप लोग अर्पित बाला के अगर फैंस हो तो आप उसके सपोर्ट में क्यों नहीं आते जब गाली नहीं होती सब के बीच में दबा के ये कर दूंगी और फुकरा का इलविश ने तो ब्लॉक कर दिया बट मुझे अब तेरा ऐसी कुछ गंदी बातें कर रही थी फेक अकाउंट था उसने बोला कि वो मुझे अपने बोबो के बीच में फंसा के जकड़ना चाहती है एंड आई फाउंड दैट हिलेरियस तो मैंने कोर्ट रिट्रीट किया और लिख दिया है मैंने नहीं अर्पित ने मैं तो फिलहाल बस एक नजरिया हूँ अर्पित ने बस उसको कोट रिट्वीट किया और डाल दिया आपको पता है उसको कितनी गालियां पड़ रही हैं ट्विटर पे कहा हो आप उसको ऐसी ऐसी चीजें बोली हैं कि तेरे को शर्म नहीं आती अगर तेरे घर पे माँ बहन है तो तू ये क्या कर रहा है एक कोट रिट्वीट करने के लिए एक कोट एक क्यू करने के लिए उसको अपनी माँ बहन की इज्जत करनी पड़ेगी अब हती हो गई है यार फायदा ही क्या हुआ बदतमीज बदतमीजी करने का की क्यू आर टी करने के लिए अब तमीज करनी पड़ेगी Fuck fuck it man. Fuck it man, Can't believe this. In this In economy. I mark मेरे को पता चला कि उस दिन मनीशियंस कितने ज्यादा हार्डकोर हैं कि जस्ट बिकॉज किसी ने मनीषा के लिए फेक पेज बना के भी किया है और उसको उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहा है कोई क्रिएटर तो उस क्रिएटर को भी गाली दे रही है ये होती है फैन बेस ये होता है फैन बेस अब आप लोग क्या चाहते हो अर्पित आपको पैसे दे टेलीग्राम के ग्रुप्स में जाके कि तब जाके आप ये सब करो आप ये सब ट्विटर पे जाके खुद नहीं कर सकते मनीशियंस ये मनीशियंस फकेट यार मनीषा रानी के पास मनीषियंस हैं फुकरा इंसान के पास फुकरे हैं फुकरेज हैं मतलब आई हो आई होप वही बोलते होंगे एलविश यादव के पास सपेरे है बट अर्पित बाला के पास क्यों नहीं है कुछ वेयर आर अर्पित बाला के अर्पित बॉल्स वेयर आर अर्पित बॉल्स है

जो के बॉल्स नहीं बन सकते थूकता हूँ अभी थूक सकता नहीं हूँ बिकॉज आई एम ऑन मेडिकेशन मेरे मुंह में थूक बन नहीं रही है देर कॉल्ड एस एस ठीक है आई हैव आई हैव सिवियर ऑटिज्म माँ कसम मेरा बाई गॉड माँ कसम कह रहा हूँ बहुत सिवियर ऑटिज्म है माँ के ऐसी ड्रॉइंग करूँ साले भाई ऐसे क्रेन पकड़ के ऐसी ड्रॉइंग ओ भाई मुझे घर जल्दी जाना है भाई स्कूल की छुट्टी करो गुस्सा मत दिलाओ मुझे अभी ड्रॉ कर दूंगा एक सन स्माइल के साथ गुस्सा मत दिलाओ मुझे तेरे पास दो बॉल्स तो हैं और कितने बॉल्स चाहिए मेरे से क्यों पूछ रहे हो जिस बंदे को तुमने रुला के भेज दिया उससे बात करते ना कहा है अर्पित के बॉल्स मैं पूछ रहा हूँ भाई वेर आर अर्पित बाला बॉल्स बोरिंग बोरिंग भाई सुनो तुमने उसे रुला दिया अब मेरे को नहीं रुला पाओगे मेरे को नहीं फर्क पड़ता पता है क्यों अगर आपको ये अनफनी लग रही है बोरिंग लग रही है क्योंकि अब ये लाइव स्ट्रीम मेरी है तो मैं जो करूं आपको नहीं देखना मत देखो मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा करने का क्योंकि मेरी लाइव स्ट्रीम और मैं जो करूं नहीं पसंद आ रहा मत देखो कोई दिक्कत नहीं है मेरी लाइव स्ट्रीम में जो करूं मत देखो मैं कह रहा हूं आपको देखने को मैंने कहा आपको देखने को नहीं ना खुद ही बैठे हो चार हजार की वाचिंग दे रहे हो सुपर चैट भी आ रही है मैंने तो नहीं बोला ये करने को मैंने क्या बोला मैं यहाँ पे वही करूंगा जो मुझे करना है क्योंकि मेरी लाइव स्ट्रीम है मैं जो करूँ अब आप देख लो आपको क्या चाहिए मैं तो यहाँ पे वही करने आया हूँ जो मेरे को करना है क्योंकि मेरी लाइव स्ट्रीम और मैं कर दी ना बोलती वन हैं हल्के में मत लेना बस यही बोल रहा हूँ तुम्हारे पे माइक आ जाता है तो तुम चुप हो जाते हो ठीक है कम से कम मेरे में इतना गूदा है कि जो मुझे करना मैं कर रहा हूं क्योंकि मेरी लाइव स्ट्रीम मैं जो करूँ आप लोग नहीं समझोगे भाई ये सारी चीजें आप लोगों को बस के बात नहीं है भाई द वर्ल्ड इज नॉट रेडी फॉर ह्यूमर भाई म्यूजिक करने का मन है आ, बहुत मन है पर आता कुछ नहीं है राइटिंग ना म्यूजिक व्हेन डिड दैट स्टॉप अर्पित बाला फ्रॉम रिलीजिंग म्यूजिक यार द फक दौ रुपए देके ऐसी बात सुनना चाहते हो जिसके लिए आपको अर्पित बाला से थूक मिलेगी मैं आपसे बोलता हूँ भाई उस आदमी पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करना बहुत खराब आदमी है वो उसको कुछ नहीं आता फिर भी निकाल रहा है ना आप क्यों डर रहे हो यार? 50 में चले गए यार गाने। ये कोई एक नहीं ओवर नहीं, 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 कॉन्फिडेंस भाई बंदी को लाइक करता हूँ नीट का प्रिपरेशन कर रही है कन्फेस करूँ या नहीं और करू तो कैसे करूँ प्लीज कोई उपाय बताए अर्पित बाबा पहली चीज सौ रुपए में तूने मेरे से बहुत सारी चीजें बोल दी हैं और दूसरी चीज मैं नहीं हूँ कौन है भाई फिर नहीं आपको पता है क्या होता है? आप ये सारी चीजें बोलते हो मैं करता हूं अपना कंप्यूटर ऑफ मैं जाता हूं सोने चार घंटे रोता हूं मुझे नहीं फर्क पड़ता मुझे नहीं फर्क पड़ता वह उठता हूँ चार गाली खाता हूं दो जोक लिखता हूं चार गाली खाता हूं फिर लगता है इतने साल हो गए अभी तक तो कुछ बदला ही नहीं आई देखते हो आप आपको देखना है देख लो सट्टा लगाओगे कम कम से इस बार जीत जाओगे अर्पित भाई नाक सूजी हुई है बोलना छुपा क्या रहे हो आप लोगों को हर चीज में ना मजाक चाहिए हर चीज आप लोगों को ऐसी लगती है मैं चूतिया हो मैं पागल मेरी लाइफ में जो करू मेरी लाइफ मैं जो करूँ ब्रदर आई थिंक यू नीड अट्रिस्ट सेम आई डू नो राइट I'm surprised. YouTube is running ads on my videos and not mental health resources. Can you believe it? I can't. Uh, bro, why are you like this? Stop it. Never. No. Fuck that. I'm the Old Kanye. Straight out the bold Kanye. Okay. am Pitbala Kanye. Oh, fuck that old Kanye. i is more funny. And is dead. And you killed him.

मेरी लाइव स्ट्रीम में यस yes. यस yes. आप लोगों को समझ नहीं आता बट तो देर मैन देर है देर नहीं एक बंदा बोल रहा है अरसलान अजीज करके छोटी लुल्ली चैनल इस बंदे ने मेरे को बोला छोटी लुल्ली आप देखना चाहते हो उसके चैनल मजा है तेरा मिट्टू बाकी चूत तेरे मिट्टू की बाकी चूत तेरे मिट्टू की बहुत बढ़िया हुआ अरे तेरे मुंह मिया मिट्टू नहीं तेरे मिट्टू पे मुट मार दिया मैंने लंड पे बजे मिट्टू अरे मर जाए ये मेरे को लंड पे रख नहीं पड़ता भाई बहुत बढ़िया हुआ भाई मैं ही चढ़ा था इसके ऊपर तेरे को पता है मैं ही चढ़ा था इसके ऊपर साला उड़ नहीं सकता मेरे को फालतू कह रहा था ये भाई

मेरी लाइव स्ट्रीम में मैं इधर जो करने आया हूँ मैं जो करूँ क्योंकि गली बॉय के बाद मेरी सेक्स टेप निकली थी जैकिंग ऑफ टू तो अपना टाइम आएगा यू गाइस डोंट रिमेंबर दैट दैट होल कंट्रोवर्सी जिसके अंदर लोग बोल रहे थे दैट एमसी शेर एंड ही केप सेइंग अपना टाइम आएगा 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 बिकॉज़ इट्स एन एजिंग सॉन्ग वो गाना एजिंग पे है अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा वी वर स्ट्रेट अप गूनिंग विद दैट सॉन्ग मैन दैट शिट वाज स्ट्रेट अप वू

ओके okay? प्लीज तुम भी मत बोलो मैंने जैंग देख ली है तुम लोग मेरे सामने एनवर्ड मत बोलो बहुत कॉन्टेक्स्ट है ब्रो मेरे सामने एनवर्ड मत बोलो आप फिर आते थे हमारे फुटबॉल टीम स्कूल की स्कूल टीम फुटबॉल क्लब जितने भी होते थे एक क्लब होता था वो होते थे वो फुटबॉल की टीम के बच्चे सारे के सारे सर आपको पता है ये हाँ हाँ सर हाँ ये लड़ाई हुई थी हमारी कल परसों हाँ सर आप सर आ, इस, इस मैच में खिला दो मुझे सर सर नेक्स्ट मैच में मैं खेल सकता हूँ हाँ सर सर मैं खेल सकता हूँ नेक्स्ट मैच में ठीक है सर सर प्रैक्टिस में फिर आता था मेरा क्लब आपको पता है क्लब क्या था कंप्यूटर लैब में पॉन ढूंढने वाला क्लब हम लोग कंप्यूटर लैब में बैठते थे एक से एक फोल्डर पॉन ढूंढने के बाद आपको पता है हमारी शक्ल कैसे होती थी हमारा कंप्यूटर पीरियड लगता था हर चार बच्चों को एक एक कंप्यूटर पकड़ाया जाता था मतलब चार बंदों के ग्रुप्स बनते थे और उनके वो बनते थे कि हर एक कंप्यूटर पे चार लोग बैठे मैं और मेरे दोस्त इन्फिल्ट्रेट करते थे हर ग्रुप जिससे कि हम हर कंप्यूटर की हर एक फोल्डर को देख सके हमें पॉन देखनी नहीं होती थी हमारे को पॉन ढूंढनी होती थी हमारे दिमाग में तब नेशनल ट्रेजर का थीम बज रहा होता था इन दोज डेज हमारे दिमाग में बस एक चीज थी स्कूल में पॉन ढूंढनी है देखनी नहीं है देखनी नहीं है भाई हम भाई सुनो हम लोग लीचड़नी है ठीक है हमें पॉन देखना नहीं हमें पॉन ढूंढनी है ये डिफरेंस था ठीक है मैं बहुत बारी ना सोचता हूँ भाई कि जो मेरे दोस्त थे कार्तिके भप्पा सारे साथ में बैठ के भाई बॉन्ड ढूंढते थे भाई कंप्यूटर लैब में और वो सोचते सोचते ना मुझे लगता था कि भाई यादे ऐसे आ जाती है भाई कभी कभार ना बैठता हूँ मैं कभी कभार तो लगता है भाई कि कहां गए भाई वो दिन दैट वॉज माई समर ऑफ सिक्स तो इसी बात पर हो जाए भाई Yeah. Yeah. हामिद था आठवीं में मेरे साथ थे मेरे चार दोस्त मुकुल कार्तिक के पप्पा और मैं हम लोग देखते थे सिर्फ कंप्यूटर लैब में पौन मिल जाए किसी फोल्डर में और अब जब कार्तिक चला गया मुकुल मुक्कुलज लावर रेस्टेड bappa girlfriend hai and i'm just aging to the shit those were the best days of my life